नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएमयू गूंज का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आरजे अभी। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी विभाग द्वारा देहदान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम जो देहदान करने वाले लोग हैं उनके परिवारजनों का सम्मान किया जाएगा। तो आइए चलते हैं सभागार में और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर देहदान करना कितना ज़रूरी है और आने वाले फ्यूचर में चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह से देहदान एक वरदान साबित हो सकता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, एक जो ये रूढ़िवादी सोच होती है कि व्यक्ति के इंतकाल के बाद, मरने के बाद धर्म के हिसाब से उसको दफनाया जाए या फिर जलाया जाए, तो परिवारजनों की जो सोच है उसको बदलने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? तो वही मैं ये तो सोच तो आप लोग को, मीडिया को इसमें मेरे ख्याल से पहल करनी चाहिए कि समझाने के लिए, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये तो एक समझ है, एक सोच है। इस सोच को बदलना कि ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ धर्म के हिसाब से आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्या हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक समझ की बात है एंड ये एक हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते, सारा समाज को मिलके ये सोच को बदली करना है। एक सवाल और सर, जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जितने भी बॉडी डोनेटर हैं उनके जो परिवारजन हैं उनको केजीएमयू में विशेष तौर पर कुछ वरीयता दी जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हम जो उनके जो स्पाउस हैं हम सबके लिए नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम कुछ कमिट करें और ना कर पाएँ तो मैं समझता हूँ वो गलत है। तो हमने अभी शुरुआत में जो उनके जो स्पाउस हैं, अगर हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड, तो हम पहले उनका सबका एक कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे, UHI कार्ड हम इसको बोलते हैं, UHID आइडेंटिफिकेशन। उसके अंतर्गत जो हर साल एनुअल एक हेल्थ चेकअप हम करवाएंगे सिर से पैर तक, जो सब कुछ, चाहे INT, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, सब कुछ जांच करवाएंगे साल में एक बार ही फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जो बेसिक मेडिसिन जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी हम उनको OPD तौर पे वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सर, KGMU गूंज के जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए एक बार देहदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं इस समय? मैं समझता हूँ कि ये आपके माध्यम से ये सारे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे समाज में ये बात पहुँचनी चाहिए कि बॉडी डोनेशन इससे बढ़िया कोई दान होता नहीं। एंड ये हमें इस साइंस को बढ़ोतरी देने के लिए आने वाले कल में हमारे जो डॉक्टर्स, जो बच्चे जो बन रहे हैं डॉक्टर्स, उनको उनकी सीख के लिए ये एक बॉडी डोनेशन प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल अभियान बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात KGMU गूंज में आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आज जो इतना बड़ा समारोह हुआ, सम्मान समारोह, तो देहदान सम्मान समारोह आज ये हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने देहदान किया, तो देहदान को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है और किस तरह से ये आने वाले समय में जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS, BDS, नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है और ये पढ़ते हैं ये, तो उसके लिए मानव शरीर में क्या है, कहाँ हमारा लिवर है, कहाँ गॉल ब्लैडर है, कैसी धमनियाँ हैं, कहाँ नर्व्स हैं, इन सबका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान तभी हो सकता है जब हम एक्चुअली डिसेक्ट करके देखें और उसके लिए हमें बॉडी डोनेशन की ज़रूरत होती है। सो ये एक बहुत साहसिक कदम है और बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है जो हर कोई नहीं कर पाता। बहुत फियरलेस लोग होंगे, वो ये सोचने कि नहीं, मुझे तो ये अपने शरीर अंत तक किसी ना किसी के काम आ जाए, वही लोग इस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्या है कि नई नई टेक्निक्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स की टेक्निक्स हैं, न्यूरो सर्जरी वालों की कुछ टेक्निक्स हैं, ENT सर्जन्स, ये सब टेक्निक्स इन बॉडीज़ पर प्रशिक्षण करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। और देखिए कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि वो 5 मिनट में 10 मिनट में छोटी सी एक टेक्निक करते हैं और वो ऑपरेशन हो जाता है एंडोस्कोपी के द्वारा। तो ये सब प्रशिक्षण तभी पॉसिबल है जब किसी को ये फैसिलिटी मिले कि हाँ, हम बॉडी डोनेशन के द्वारा ये बॉडीज जो हमको मिली हैं इसको हम ढंग से यूटिलाइज कर सकें।
अच्छा, आज जो पहली बार देहदान के बारे में सुन रहा है ऐसा शख्स, अगर वो देहदान करने का निर्णय लेता है तो क्या एक प्रोसेस होता है, किस तरह से वो आपके पास पहुंच सकता है, क्या प्रोसेस है, कैसे वो देहदान कर सकता है? अगर उसको ये पता चला है और वो इच्छुक है अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए, तो हमारे डिपार्टमेंट में संपर्क कर लें या हमारे KGMU की वेबसाइट पर भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, हमारे डिपार्टमेंट से फॉर्म ले सकता है। हम अगर इतला करें तो हम उसे बाय पोस्ट भी ये फॉर्म भेज सकते हैं। फॉर्म की प्रक्रिया ऐसी है, भरने की प्रक्रिया ऐसी है कि इसको डुप्लीकेट में भरा जाता है और उसमें अपने निजी संबंधियों की, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, उनके सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर मतलब विटनेस होना चाहिए वो, कि नहीं नहीं हम एग्री करते हैं कि जब आपकी डेथ होगी तो हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट को इस बात का संदेशा देंगे कि आपकी डेथ हो गई है, जिससे वो लोग ये बॉडी ले जा सकें, प्रिजर्व कर सकें और बच्चों के काम आ सकें। क्योंकि कई बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि उन्होंने तो फॉर्म भरा था लेकिन बच्चे तैयार नहीं हैं देने के, फैमिली वाले तैयार नहीं हैं, तो इसलिए हम उन बच्चों के सिग्नेचर्स चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर्स चाहते हैं। जब वो भर के फॉर्म हमें दे देते हैं, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखते हैं कि हाँ हमें ये फॉर्म मिल गया, एक फॉर्म हम वापस कर देते हैं जिससे उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहे किसी भी फैमिली मेंबर के पास कि हाँ ये हमारे पिताजी ने या माताजी ने ये रजिस्ट्रेशन करा रखा है बॉडी डोनेशन का, और जब भी इनकी डेथ होगी तो हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट को बताएंगे। तो वो फॉर्म उनको याद दिलाता है और वो संभाल के बता देते हैं कि हमने ये फॉर्म यहाँ पर रखा है, और उसके बाद हमारी तरफ से बॉडी गाड़ी जाती है लेने के लिए, गाड़ी आकर ले आते हैं, तो हम चाहते हैं कि 6 आवर्स के अंदर अंदर ये हो जाए और फिर हम उस बॉडी को प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा, आप तक पहुंचने का कोई कांटेक्ट नंबर या फिर इस तरह का कोई वेब ऑनलाइन? उस फॉर्म पर मिस्टर एस के पांडे का नंबर दिया हुआ है, हमारा भी फॉर्म पर नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, मैं यहाँ पहले एनर्जी डिपार्टमेंट का विभाग का अध्यक्ष था, और देहदान से बड़ा कोई दान तो होता नहीं। अब इसको जब हम लोगों ने शुरू किया था तो इक्का दुक्का लोग जानते थे, कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। तो एक मिस्टर मनोज सेंगर थे, तो उनसे हम लोगों की दोस्ती हुई और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को एक नाम दिया, युगदर्जी देहदान अभियान चलाया है। उस अभियान में जगह जगह शहरों में गए, वहाँ बोला, लेक्चर दिए, फिर हमारे साथ संस्थाएँ जुड़ती गईं, लायंस क्लब जुड़ा, आस्था जुड़ी, और क्या कहते हैं, तमाम ये वृद्धाश्रम वाले लोग जुड़े। जुड़ते जुड़ते हम लोगों ने धीरे धीरे इसको प्रमोट करना शुरू किया। अब ज़रूरत इसकी इसलिए है कि अगर आप जो इसका उद्देश्य है वो ये है मानव शरीर रचना और उससे रिलेटेड रिसर्च, तो मानव शरीर रचना तो बगैर आपको वर्चुअल तो बहुत आ गई लेकिन प्रैक्टिकल तो आप है नहीं। व्हाट आई डोंट सी वर माइंड डज नॉट नो, तो जब तक आप फील नहीं करो तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब आप टच करते तो आपको पता लगता है ये नर्व है, ये वो है। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराया कि कोई लीगलिटी ना रह जाए, प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो लीगल में जो प्रोसीजर है वो आपको सब फॉर्म में दिया हुआ है कि पहले आप फॉर्म भरेंगे, आपका रिलेटिव दो लोग की विटनेस होगी, आप मरने वाले का जो भी नेक्स्ट किन है वो उसमें अपनी कंसेंट देगा। अगर आप 6 घंटे के अंदर चाहते हैं तो आप 2 चीज़ें और डोनेट कर सकते हैं, स्किन भी दे सकते हैं और आई कॉर्निया दे सकते हैं, और अगर मरने वाले हैं तो आप अपना अंगदान कर सकते हैं। सर अभी आप बताते हैं कि 2001 से शायद आपने इसकी शुरुआत की, 2001 से शुरुआत हुई थी। अब तक लगभग कितने लोगों ने देहदान किया है और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन? 400 करीब हमारे यहाँ आ चुकी है बर्ड करीब, जैसा कि अब मैं तो रिटायर हो गया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट फिगर जो पुनीता मनिक जी ने बताई 400 है, और 4,000 लोग लगभग रजिस्टर, वो बहुत बड़ा नंबर है।
400 लोगों का बॉडी मिलना। तो सर केजीएमयू गूंज के जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए आप एक अपील करिए अपनी तरफ से कि क्यों देहदान जरूरी है और कैसे करें, वो करना जरूरी है। मैं सभी केजीएमसी गूंज के श्रोतागणों से आग्रह करूंगा कि वो देहदान को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उतना ही मानव जीवन मानवता के लिए एक बहुत अच्छा कार्य होगा, क्योंकि इससे आप ना बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उसके बाद आप जो है शोध भी करते हैं। आप शोध में कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, नए प्रोसीजर हैं जो कि आप जिंदों पर तो नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो आप जो है मैं शरीर पे कोई आपको लिवर का प्रत्यारोपण करना है, आपको हार्ट का प्रत्यारोपण करना है, आपको हड्डियों का करना है, सबसे ज़्यादा बोन के ऊपर पॉसिबल है, या आपको कोई भी करना है तो आपको उसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए बॉडी तो चाहिए और बॉडी चाहने का मतलब ये है बॉडी डोनेशन। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मानवता के लिए के उत्थान के लिए शरीर देहदान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइए और फिर अपना परिचय दीजिए, फिर आगे का सवाल मैं आपसे। मेरा नाम है एस के पांडे, मैं बॉडी डोनर इंचार्ज हूँ। अच्छा। और देहदानियों का पूरा कार्य मैं ही देखता हूँ। अच्छा। यहाँ पर आज केजीएमयू के इस विभाग की तरफ से यहाँ पे देहदान सम्मान समारोह किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा बताते हुए, अगर कोई व्यक्ति देहदान करना चाहता है तो उसके बारे में बताइए कि क्या उसका प्रोसेस होता है और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है। देहदानियों के लिए हम लोग विभाग से दो फॉर्म दिए जाते हैं और जिसमें दो फोटो लगती हैं देहदानी की और उनके परिवार के दो लोग के विटनेस होते हैं, और इसमें सबकी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगती है, जो देहदानी परिवारजन है जो विटनेस कर रहे हैं उनकी भी और जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी भी। अच्छा। और फिर ये रजिस्टर्ड होकर एक कॉपी उनको दी जाती है और एक मेरे पास एज ए रिकॉर्ड जमा हो जाती है। अच्छा, तो उन्हें कहीं पे आना पड़ेगा, क्या जगह होती है अगर कोई देहदान? सुविधाएँ हैं इसके लिए, लोग बाई पोस्ट भी फॉर्म मंगा लेते हैं और किसी के थ्रू प्रॉपर चैनल भी अपने लिए फॉर्म मंगा लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर वो फॉर्म भरकर डिपार्टमेंट चाहे बाई पोस्ट भेज दें या फिर किसी के थ्रू प्रॉपर भेज दें और फिर वो रजिस्टर्ड होकर वो उनको कॉपी एक मिल जाती है। तो बाई पोस्ट मंगवाने के लिए क्या मतलब उसका पता वगैरह क्या है? इस पे एक नंबर है 9452238388, ठीक है। इस पर वो मैसेज ग्रुप में भी डाल सकते हैं और मैसेज भेज के फॉर्म भी मंगा सकते हैं। किन्हीं को PDF चाहिए होता है वो प्रिंट निकाल लेते हैं, तो जो भी चीज़ है ये नंबर पे वो संपर्क कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल वगैरह भी होता है क्या? नहीं, ऑनलाइन पोर्टल नहीं, इसमें आप इस नंबर पे ही संपर्क कर सकते हैं देहदान। अच्छा, अगर देहदान की बात करें तो मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है कि कौन से लोग दान कर सकते हैं कौन से लोग नहीं कर सकते? माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और एज लिमिट कोई नहीं है भाई, 70-80-90 साल कोई भी कर सकता है। इवन सबसे लास्ट जो हमारे अभी आए हैं 108 ईयर के एक बंदे ने बॉडी डोनेट करी है, वही उनकी, तो एज लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। और एक सवाल, जैसे जो लोग देहदान करते हैं उसका कितना फ़ायदा लोगों को अन्य लोगों को मिलता है, देहदान के बारे में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि वो प्रोत्साहित होकर के आगे आएं और देहदान करें? देहदान के लिए देखिए चिकित्सा शिक्षा जगत में नए नए रिसर्च होते हैं, नई नई चीज़ें, आने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे स्टूडेंट्स के बॉडी नहीं मिलती है तो बॉडी मिलेगी, अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा डॉक्टर तैयार होगा तो समाज को, तो वो बहुत कुछ दे के जा रहे हैं एक अच्छा डॉक्टर। आई थिंक ये बहुत बड़ा ही अमूल्य योगदान है, सबको करना चाहिए और इसमें आगे पढ़ना चाहिए। समाज जनहित और समाज हित के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करें। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।